अब हम लोग देखने वाले हैं सॉर्ट डेटा बाय डेट, यानी कि डेट के अकॉर्डिंग हम हमारा डेटा कैसे सॉर्ट करेंगे। सिंपल है, हमारे सामने एक स्प्रेडशीट दी गई है। अब इसके अंदर मुझे ट्रेन का स्केड्यूल जो है वो दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग उस ट्रेन का नाम और उस ट्रेन की डेट। सो यहाँ पर मुझे क्या करना है कि इस डेट को मुझे सॉर्ट करना है, यानी कि सबसे लेटेस्ट वाली डेट जो है वो मुझे अगर सबसे पहले चाहिए तो वो, और उसके बाद जो मेरी बहुत पुरानी डेट्स है वो डेट्स मुझे सबसे लास्ट में चाहिए। सो यहाँ पर हम सॉर्ट बाय डेट का यूज कर सकते हैं। सो सिंपली हमें क्या करना है, इस डेट की कॉलम में जो कोई भी आपकी डेट्स है उन्हें हमें सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब हमें जाना है होम टैब में। होम टैब के अंडर यहाँ पर आपको एडिटिंग ग्रुप टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, दैट इज सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट एंड सॉर्ट न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। सो जब हम ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास ये जो डेट्स है इसमें से सबसे पुरानी डेट कौन सी है, ये 04/06/2027। सो ये जो डेट है ये सबसे पुरानी है, सो ये सबसे पहले आएगी, और जो सबसे नई लेटेस्ट डेट है वो है 25/12/2027। सो ये डेट सबसे लास्ट में आएगी, कब, जब आप यहाँ पर सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट करोगे। और जब आप सॉर्ट न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट करोगे तो सबसे न्यूएस्ट यानी सबसे लेटेस्ट डेट जो है वो सबसे पहले आएगी और सबसे पुरानी डेट जो है वो सबसे बाद में। सो यहाँ पर सबसे पहले हम सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट करेंगे। इसे सॉर्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको सॉर्ट वार्निंग आ चुकी है। यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, एक्सपांड द सिलेक्शन के ऊपर आपको ये जो आपका सिलेक्शन है ये ऐसा ही रहने देना है। इससे क्या होगा कि आपके डेट के अकॉर्डिंग आपकी ट्रेन जो है वो भी यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। सिंपली हमें सॉर्ट पर क्लिक करना है। अगर आपको इन ट्रेन्स को अपडेट नहीं करना है, मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कोई डेटा है कि आपको सिर्फ डेट्स को सॉर्ट करना है, तो आपको सिंपली कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करना है। बट यहाँ पर मुझे ट्रेन के नेम्स जो है वो भी सॉर्ट करने हैं, सो उसकी वजह से मैं यहाँ पर एक्सपांड द सिलेक्शन रखूंगी। सॉर्ट पर जब मैं क्लिक करती हूँ सो आप देख सकते हैं कि हमारे ट्रेन के नाम जो है वो भी अपडेट हो चुके हैं और डेट्स भी हमारी यहाँ पर सॉर्ट हो चुकी है। सो यू कैन सी कि 04/06/2027 ये जो हमारी सबसे पुरानी डेट है ये सबसे पहले आ चुकी है, और जो हमारी लेटेस्ट डेट है दैट इज 25/12/2027 ये जो हमारी डेट है लेटेस्ट है ये सबसे लास्ट में आई। अब इसी सिलेक्शन को अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा करना है कि सबसे नई जो डेट है वो ऊपर आनी चाहिए और सबसे पुरानी जो डेट है वो सबसे नीचे जानी चाहिए, सो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस सिलेक्शन को ऐसा ही रखेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे और सेकंड आपका जो ऑप्शन आता है दैट इज सॉर्ट न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक्सपांड द सिलेक्शन पर हम ऐसा ही रहने देंगे, उसके बाद सॉर्ट करेंगे। सो सॉर्ट करने के बाद यू कैन सी कि जो हमारी लेटेस्ट डेट है वो सबसे पहले आ चुकी है और जो सबसे पुरानी डेट है वो सबसे लास्ट में आ चुकी है। सो ऐसे ही अगर आपके स्प्रेडशीट के अंदर कुछ डेट्स है और जिन्हें आपको सॉर्ट करना है तो वो आप सॉर्ट कर सकते हो यूजिंग सॉर्ट बाय डेट।